क्या आपको पता है गिया समवन आर समथिंग अप फॉर या गिया समवन आर समथिंग अप टू क्या है, यानी वो क्या कंडीशन होगा जब आप बोलेंगे गिया समवन आर समथिंग अप फॉर या अप टू। तो आइए इसे सीखते हैं। कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं आप किसी इंसान को किसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं या आप किसी चीज को किसी के लिए तैयार कर रहे हैं। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। मैं आपको मुकाबले के लिए तैयार कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने बोला कि मैं किसी को किसी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। तो जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें कोई आदमी किसी को किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस टॉपिक से बोलेंगे, यानी आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई एम गियरिंग यू अप फॉर द कंपटीशन, यानी मैं आपको मुकाबले के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं उसको इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गियरिंग हिम अप फॉर द एग्जामिनेशन, यानी मैं उसको परीक्षा के लिए तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको कहना हो कि वह मुझे मैच के लिए तैयार कर रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज गियरिंग मी अप फॉर द मैच, यानी वह मुझे मैच के लिए तैयार कर रहा है, मैं उसको IAS एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गेयरिंग हर अप फॉर द IAS एग्जाम। अगर आपको कहना हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गेयरिंग दिस अप फॉर यू, यानी मैं इसे तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा गेयर समथिंग अ समवन अप फॉर का मतलब होता है कोई इंसान किसी को किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फॉर के जगह पर आप टू तब लिखेंगे जब फॉर के बाद आने वाला नाउन के जगह पर कोई वर्ब लिखना हो। यानी अभी तक मैंने आपको जितना भी एग्जाम्पल्स बताया यहाँ सभी जगह आप फॉर के बाद एक नाउन देख सकते हैं, लेकिन अगर उस नाउन के जगह पर वर्ब लिखा हो तो आप फॉर के जगह पर लिखेंगे टू। जैसे मैं आपको लड़ाई करने के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गेयरिंग यू अप टू फाइट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ मैंने टू के बाद बोला एक वर्ब जो था फाइट, यानी लड़ना। तो जब आपको लिखना एक नाउन तो आप उसे फा के साथ लिखेंगे, लेकिन अगर आपको एक वर्ब लिखना हो तो आप टू के साथ लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। गेयर समवन आर समथिंग अप फॉर या गेयर समवन आर समथिंग अप टू क्या है? फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।